गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट वन के थर्ड पेपर के अंतर्गत हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओजेनेसिस या अंड जनन भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और देखा था कि ओजेनेसिस यानी ओवम के बनने की क्रिया जो कि फीमेल इंडिविजुअल में ओवरी में होती हैं। तीन फेजेस होती हैं इसकी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज स्टार्टिंग के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ग्रोथ जो है इसमें ओगोनिया की काफ़ी ज़्यादा होती है और ग्रोथ फेज ओजेनेसिस के दौरान काफ़ी लंबी होती है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ग्रोथ फेज जो है ओजेनेसिस के दौरान उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है जैसा मैंने बताया था, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के ही सब्सटेंस में, दोनों के ही पदार्थ में काफ़ी चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का क्वालिटी भी चेंज होती है, कोई नई चीज़ें बनती हैं, कुछ डिसअपियर होती हैं, और क्वांटिटी भी चेंज होती है, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, किसी पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ फेज है या वृद्धि अवस्था है ओजेनेसिस के दौरान ओसाइट में जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड और वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। क्या होते हैं ये? प्री वाइटलोजेनेसिस मतलब वाइटलाइन वर्ड यूज होता है योग के लिए, और ये योग क्या है? दिस योग इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द ओवम। ये जो ओवम है या जो अंडा है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोजन होता है, उसे योग कहते हैं। अब हम कह रहे हैं प्री, प्री मतलब पहले, वाइटलो मतलब योग, जेनेसिस मतलब बनना। तो प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड क्या होता है? योग से बनने की पहली, यानी इस दौरान योग नहीं बनेगा, दूसरे चेंजेस होंगे। और वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड जिस दौरान वाइटलन यानी योग का सिंथेसिस होगा, योग बनेगा। तो इस तरीके से ग्रोथ फेज में ये दो पीरियड हो जाते हैं। हम बात करते हैं प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड की। जैसा अभी मैंने बताया, प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड के दौरान योग का सिंथेसिस नहीं होता, ना कोई योग बनेगा, ना कोई रिजर्व फूड मटेरियल बनेगा, किसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जो ओसाइट है उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं, कई क्रियाएं होंगी, कई परिवर्तन होंगे, उसमें चेंजेस होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियर चेंजेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस में क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रोथ पीरियड के दौरान न्यूक्लियस का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। और बढ़ता क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर सैप का अमाउंट बढ़ जाता है। न्यूक्लियर सैप क्या है? लिक्विड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है, तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। और ये जो इंक्रीज्ड साइज न्यूक्लियस है जिसका साइज बड़ा हुआ होता है उसको जर्मिनल वेसाइकल कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ग्रोथ फेज के दौरान ही, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रोथ फेज के दौरान ही ओवम में ये जो सेल है वो मैच्यूरेशन फेज में एंटर हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ फेज काफ़ी लंबा होता है, प्रोलॉन्ग फेज होती है। तो इस समय ओसाइट मैच्यूरेशन फेज में एंटर हो जाती है, और मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न में भी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस के फिर फाइव स्टेजेस हैं। तो इस प्रकार इसमें एंटर हो जाता है और उसी स्टेज में काफ़ी समय तक ओसाइट रहती है। तो इस दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें भी पेयरिंग हो जाती है, दोनों जोड़े उनके बन जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है और सिनेप्सिस बन जाता है जिस दौरान की क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमोसोम्स का साइज बढ़ जाता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग हुई उनका साइज बढ़ जाता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए का अमाउंट सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ता। इसके अलावा जो
डीएनए होता है उसमें आपको पता है जो कॉइल्स होती हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, तो वो अपनी जगह से हट जाती हैं। इसके कारण दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने लगते हैं, उनमें बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं, और जब ये स्ट्रैंड्स दोनों ढीले हो गए, उनके में लूप बन गए, एक दूसरे दूर हो गए, तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और इस समय ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिसमें कि बहुत सारे लूप बन जाते हैं, तो इस समय ये जो क्रोमोसोम्स हैं ब्रश की तरह दिखने लगते हैं, बॉटल ब्रश होता है उस तरीके, बॉटल साफ करने का ब्रश, बॉटल ब्रश उस तरीके दिखने लगते हैं। तो इन तरह के क्रोमोसोम्स को आपने नाम सुना होगा, जाइंट क्रोमोसोम्स, वृहद क्रोमोसोम्स, इस तरह के क्रोमोसोम्स को लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ देखे जा सकते हैं, डेवलपिंग ओसाइट। अब जब मैसेंजर आरएनए का अमाउंट बढ़ता है तो मैसेंजर आरएनए किस काम आता है, प्रोटीन बनने के। तो जब मैसेंजर आरएनए का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने मैसेंजर आरएनए इस समय बनते हैं वो सभी प्रोटीन बनने में इन्वॉल्व नहीं होते। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर रैप्ड विद प्रोटीन एंड बिकम इनएक्टिव, प्रोटीन के साथ मिलकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं। और ये जो इन्फॉर्मोसोम्स हैं इस ओसाइट के अंदर स्टोर रहते हैं और बाद में काम आते हैं, कब, क्लीवेज के दौरान, जब सेल सेल्फ डुप्लीकेशन में बिजी होती है, तो उस समय फिर ये काम आते हैं प्रोटीन बनाने के। अब मैसेंजर आरएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, साथ ही साथ टीआरएनए और आरआरएनए का भी अमाउंट बढ़ेगा, और इसको क्योंकि न्यूक्लियोलस में स्टोर होता है इस कारण से न्यूक्लियोलस का साइज भी बढ़ जाता है। कुछ कुछ केसेस में एक न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ने की बजाय छोटे छोटे कई सारे न्यूक्लियोलस बन जाते हैं, जो कि न्यूक्लियस में उसकी पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस न्यूक्लियस में होते हैं ग्रोथ फेज के दौरान। दूसरे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में। ये जो सेल है, जो ओसाइट है, उसके साइटोप्लाज्म में भी कई तरीके के चेंजेस होते हैं। साइटोप्लाज्म, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा पूरा साइटोप्लाज्म इस ओवा को ही प्रोवाइड करना है, स्पर्म में तो हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मैक्सिमम साइटोप्लाज्म निकल जाता है, केवल एक थिन कवरिंग के फॉर्म में ही होता है। तो ऑल द साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड बाय ओवा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रेजेंट होता है और उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी हाउसेस कहलाते हैं, पावर हाउसेस कहलाते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बन जाता है। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, वो एन्यूलेटेड लैमेली बना लेता है स्टैक्स के फॉर्म में, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं इस तरीके से एक के ऊपर पैरेलल ये एन्यूलेटेड लैमेली की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी जो होता है या गोल्गी अपरेटस जो है जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो भी कन्वर्ट होकर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना लेता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस ओवा की पेरिफेरी की तरफ छोटे छोटे ग्रेन्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें दो पार्ट, एक उसका डेंस पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। और यही वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बाद में काम आते हैं, कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, जब स्पर्म को अंदर एंटर होना होता है ओवा के, तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जो कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है, वो एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकती। तो इस तरीके से ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी इसी समय ग्रोथ फेज के दौरान ओसाइट में गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से मॉडिफाई होकर बनते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज के दूसरे पार्ट, वाइटेलोजेनेसिस की।
जैसा मैंने पहले आपको बताया, दिस इज द प्रोसेस व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ योक टेक्स प्लेस. योक जो कि रिजर्व फूड है, अंडे के अंदर एक्यूमुलेट होता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है. उसके बनने की क्रिया वाइटेलोजेनेसिस कहलाती है. तो ग्रोथ फेज के दौरान पहले न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस हो गए, अब रिजर्व फूड एक्यूमुलेट होगा, स्टोर होगा, और ये रिजर्व फूड है योक. ये योक है क्या? पूर्ण भोजन है जिसमें करीब 48.7% वाटर होता है, 16.6% प्रोटीन होती है, 32.6% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और न्यूट्रल फैट्स भी होते हैं, और 1% केवल इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. तो ये जो योक संचित भोजन फूड इसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, ये योक साइटोप्लाज्म में दो तरीके से हो सकता है. या तो वो छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ, तो इसे ग्रेन्युलर योक कहते हैं. और कुछ केसेस में योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वो कंडेंस हो जाता है प्लेट्स की फॉर्म में और प्लेटलेट बना लेता है. इस तरीके के योक को योक प्लेटलेट्स कहते हैं. तो जो पॉलीलेसिथल एग होते हैं जिनमें योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें प्लेटलेट्स की फॉर्म में योक प्रेजेंट होता है, और जिनमें योक का अमाउंट बहुत कम होता है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, और वो ग्रेन्युलर योक कहलाता है. और इस योक के अमाउंट के आधार पर ही कि कितनी मात्रा योक की प्रेजेंट है, एग्स जो बनते हैं ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में वो अलग अलग तरह के होते हैं. पहली टाइप का जो एग है वो है माइक्रो लेसिथल. माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लेसिथल पीती की, सूक्ष्म पीती की या माइक्रो लेसिथल, जबकि योक का अमाउंट बहुत कम होता है. योक का अमाउंट कम होता है तो ये एम्फियोक्सिस और मैमल. जनरली जिन एनिमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मेटर्नल बॉडी के अंदर होता है, माता के बॉडी के अंदर होता है, तो उनको भोजन जो है वो मदर से मिल जाता है, इसलिए योक की ज़रूरत नहीं होती, और जो एग बनता है उसमें योक का अमाउंट बहुत कम होता है. और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इस तरीके के जो एग हैं वो आइसोलेसिथल होते हैं कि समान मात्रा में पूरे अंडे में वो फैला हुआ होता है. दूसरी तरह के एग जो हैं वो है मीजोलेसिथल. मीजोलेसिथल जिनमें मॉडरेट अमाउंट होता है योक का, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, मीजोलेसिथल होता है. और इस तरह का जो योक है जनरली एक पोल की तरफ होता है, यानी अंडे में सेंटर में ना होकर एक साइड में होता है, जो कि इसका वेजिटल पोल कहलाता है, और अपोजिट एनिमल पोल हो जाता है. इस तरीके के एग्स एम्फीबिया में पाए जाते हैं, फ्रॉग में पाया जाता है. और तीसरी तरह के जो एग्स हैं वो होते हैं पॉलीलेसिथल. पॉली मतलब बहुत, तो बहुपीतकी. पॉलीलेसिथल या बहुपीतकी एग जब योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इनमें डेवलपमेंट बाहर होता है, अंडे के अंदर ही होता है एम्ब्रियो का, तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है और ये पोषण इस योक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स और इंसेक्ट्स. और क्योंकि इनमें योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह के जो अंडे होते हैं वो सेंट्रोलेसिथल या डिस्कोलेसिथल एग्स होते हैं, जिनमें कि योक एक साइड में इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो इस तरीके से वाइटेलोजेनेसिस के दौरान योक का फॉर्मेशन होता है और अलग अलग तरह के एग्स बनते हैं. अब जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि ग्रोथ पीरियड के दौरान ऊजेनेसिस की जो ये ऊसाइट है बहुत लंबे समय तक मियोटिक फेज में रहती है, तो इसमें मैचुरेशन डिवीज़न फिर साथ साथ होता है. काफ़ी लंबे समय तक इस स्टेज में रह गई, और मैचुरेशन डिवीज़न के दौरान दो भाग में, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होना है, गैमेट बन रहा है, तो दो पार्ट्स में ही होगा, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड. तो मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न जो होगा उसके दौरान ये ऊसाइट में मियोटिक डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है, तो उसके कारण जो दो सेल्स बनती हैं डॉटर सेल्स वो अनइक्वल साइज की होती हैं. एक बड़ी सेल होती है जो कि सेकेंडरी ऊसाइट कहलाती है, और एक छोटी सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं. अब ये जो दोनों सेल्स हैं इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा. सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के दौरान जो बड़ी सेल थी सेकेंडरी ऊसाइट, उसमें फिर से जो दो सेल्स बनेंगी डॉटर सेल्स वो अनइक्वल साइज की होती हैं. इधर देखिए डायग्राम में दिखाई दे रही है,
बड़ी वाली में जो सेल्स बनेंगी वो फिर से अनइक्वल होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी। तो जो बड़ी बनेगी उसे ओटिड कहते हैं और छोटी वाली को सेकेंड पोलर बॉडी। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी छोटी सेल्स, उसमें जब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगी बराबर जो कि साइज में छोटी होंगी, ये सेकेंड पोलर बॉडी। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के दौरान एक तो बड़ी सेल बनेगी जो ओटिड है और तीन छोटी सेल्स बन गई, ये सेकेंड पोलर बॉडीज बनती है, पोलर बॉडीज वे बनी। तो एज अ रिजल्ट ओजेनेसिस के दौरान क्या हुआ कि एक ओगोनिया से एक ही ओटिड बना है और तीन पोलर बॉडी हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्म ना के बराबर है, बहुत कम है और ये सर्वाइव नहीं कर पाती हाफ सेट क्रोमोसोम में और ये पेरिश हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो इस और केवल एक ही ओवम बनता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्मेटिड और वो मॉडिफाई होके चार स्पर्म्स बनाते हैं, जबकि ओजेनेसिस के दौरान एक ओगोनिया से एक ही ओटिड या ओवम बना है और तीन पोलर बॉडी बनेगी। तो इस तरीके से ओजेनेसिस की क्रिया फीमेल में ओवरी के अंदर पूरी होती है।